नमस्कार। छत्तीसगढ़ में लगातार हो रहे बारिश ने बाढ़ का खतरा बढ़ा दिया है, जिससे नदी नाले उफान पर है, जिसकी वजह से आसपास के इलाकों में रेड अलर्ट जारी किया गया है। तो चलिए उन नदियों के बारे में जान लेते हैं जहां पर खतरा बढ़ा हुआ है। लगातार हो रही बारिश का असर दिखाई देने लगा है। सालों बाद बिलासपुर अरपा नदी में आया है बाढ़। शहर का सनिचरी रपटा भी डूब गया। इस सीजन पहली बार ऐसा हुआ कि सनिचरी का रपटा पूरी तरह से डूब गया। आप यहां पर देख सकते हैं कि अरपा नदी अपनी पूरी उफान पर है। यहां की आवाजाही पर रोक लगा दी गई है तथा आसपास के इलाकों में रेड अलर्ट भी जारी किया गया है। आप यहां पर देख सकते हैं कि पूरी तरह से पुल डूब गया है। यहाँ पर बैरिकेड्स भी लगाए गए हैं और यहाँ पर पुलिस भी तैनात की गई है। ये तो हुआ अरपा नदी के बारे में। अब जानते हैं, चलिए महानदी का क्या हाल है। लगातार बारिश ने जांजगीर की महानदी का जल स्तर भी बढ़ा दिया है। यहाँ भी खतरा मंडराने लगा है। शिवरी नारायण में सबरी सेतु तक भर गया है पानी। यहाँ पर भी आवागमन पर रोक लगा दी गई है। यहाँ पर पुलिस प्रशासन की टीम तैनात है। शिवरी नारायण, बिलासपुर, सारंगढ़ और बलौदा बाजार वाले रास्तों को बंद कर दिया गया है। यहाँ पर आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि महानदी का जल स्तर लगातार बढ़ता दिखाई दे रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि भारी बरसात की वजह से शिवरी नारायण महानदी में डूब गया है। यहाँ नदी उफान पर है। यहाँ के आसपास के इलाकों में आवागमन भी रोक दिया गया है। लगातार शिवरी नारायण का जल स्तर बढ़ता जा रहा है, जिससे कि आसपास के इलाकों में खतरा भी दिखाई दे रहा है। दुर्ग के शिवनाथ नदी में भी बाढ़ का खतरा बना हुआ है। यहाँ पर भी लबालब भरा हुआ है पानी। लगातार बारिश के चलते त्रिवेणी का राजिम संगम लबालब हो चुका है। संगम में बाढ़ का खतरा बना हुआ है। इसे देखने के लिए लोगों की भीड़ लगातार बढ़ती जा रही है। कुलेश्वर महादेव का चबूतरा भी पूरी तरह से पानी से लबालब हो चुका है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लबालब पानी की वजह से मंदिर भी डूबने के कगार पर खड़ा हुआ है, जिसे देखने के लिए लोगों की भीड़ भी लगातार बढ़ती जा रही है। इन सभी नदियों के जल स्तर बढ़ने से यहाँ पर बाढ़ का खतरा बन गया है। यहाँ के आसपास के इलाकों में आवागमन पर रोक लगा दी गई है।